दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा वो फिल्म हॉलीवुड में एक बेस्ट फिल्म है। फिल्म का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन, जो कि साल 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी वाकई काबिले तारीफ है। कहानी की शुरुआत मूवी के लीडिंग कैरेक्टर एंडी ड्यूफ्रिन से होती है, जो कि एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और उसे अदालत में पेश किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर इसकी बीवी और उसके लवर के कत्ल का इल्जाम होता है। अब एंडी के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, इसलिए उसे जज उम्र कैद की सजा सुना देता है। उसके बाद उसे एक खास जेल में लाया जाता है। ये जेल काफ़ी खास गुनहगारों के लिए होता है। कुछ गुनहगारों को तो यहाँ पे बचपन में लाया गया था और अब उन्हें 60 साल 70 साल तक का वक्त गुजर चुका है। अब जब एंडी जेल में आता है तो वो कई दिनों तक किसी से भी बात नहीं करता है। वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है और कई दिनों के बाद वो रेड नाम के एक आदमी से बात करता है। रेड दरअसल पिछले 20 सालों से इस जेल में कैदी होता है और किसी को भी कोई भी सामान बाहर से अंदर मंगाना हो वो ये काम बहुत आसानी से कर देता है, क्योंकि 20 साल का लंबा वक्त गुजरने के दौरान उसकी जेल में अच्छी सेटिंग होती है, जिसकी वजह से वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए। रेड बोलता है कि क्या जेल में तुम कोई सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी बोलता है तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे हथौड़ी ला कर दे दो। रेड इसके लिए तैयार हो जाता है, पर वो कहता है कि मुझे इसमें से 10% चाहिए। और एंडी हथौड़ी के साथ एक एक्ट्रेस की बड़ी सी फ़ोटो भी मंगवाता है। रेड बोलता है कि तुम इस जेल में संभल कर रहो। एंडी बोलता है मेरे यहाँ कोई भी दुश्मन नहीं। रेड बोलता है कि बहुत जल्द बन जाएंगे, और वो दो आदमियों की तरफ इशारा करके बताता है कि उन दोनों की नज़र है तुम्हारे ऊपर और वो तुम्हारा शारीरिक रूप से शोषण करना चाहते हैं। एंडी बोलता है कि अगर मैं मना कर दूँ तो? रेड कहता है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें केवल ज़ोर ज़बरदस्ती करना आता है। अब रेड एंडी के लिए हथौड़ी मंगा देता है, पर वो उस हथौड़ी को देख करके हंस पड़ता है, क्योंकि हथौड़ी का साइज बहुत ही छोटा होता है। जैसा कि रेड सोचता था कि एंडी जेल में कोई सुरंग बनाना चाहता है, पर उस हथौड़ी को देखने के बाद रेड के दिमाग में एक ही बात आती है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। अब वो हथौड़ी एंडी तक पहुंचा दी जाती है। अब जैसा कि हमने अभी बताया कि दो लोगों की उसके ऊपर नज़र होती है और वो लोग उसका शारीरिक रूप से शोषण करना चाहते हैं, वो लोग एक जगह एंडी को पकड़ लेते हैं और उसका बुरी तरह से शारीरिक रूप से शोषण करते हैं, और ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है। पर एंडी इसके बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं बताता है। इसी दौरान जब वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तभी एक बार उसको वो एक गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। पर एंडी इसके बारे में भी किसी से भी कुछ नहीं कहता है। अब कहानी का अगला सीन आता है, जिसमें हम इस जेल के हेड नॉर्टन को देखते हैं। नॉर्टन जेल के सारे कैदियों को इकट्ठा करता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे छत की मरम्मत करानी है, जिसके लिए मुझे 1 दर्जन आदमियों की ज़रूरत है, और जिसे भी ये काम करना है वो अपना नाम लिख करके मेरे पास दे सकता है और मैं उन लोगों में से 12 आदमियों को चुन लूँगा। लगभग 100 लोग अपना नाम लिख करके नॉर्टन के पास देते हैं, जिसमें से 12 लोगों को चुन लिया जाता है, और उनमें से एक एंडी और एक रेड भी होता है, और बाकी के 10 लोग भी एंडी और रेड के साथी ही होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि रेड वहां पर अपने दोस्तों का नाम चुनने के लिए वहां के स्टाफ को सिगरेट रिश्वत में देता है, जिसकी वजह से वो 12 के 12 चुन लिए जाते हैं। अब वो पूरे 12 लोग छत की मरम्मत कर रहे होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कई लोगों को रखा गया होता है, और उस सिक्योरिटी का जो हेड होता है उसका नाम होता है हेडली। हेडली बहुत ही क्रूर इंसान है और वो किसी भी जेल में रहने वाले कैदी को बहुत बुरी तरह सजा देता है, अगर किसी से कोई भी गलती हो जाती है तो। हेडली परेशान होकर के अपने दोस्तों से बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम पे $30,000 किए हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि पूरा पैसा टैक्स में चला जाएगा। एंडी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो हेडली के पास आकर के बोलता है कि क्या तुम अपनी बीवी पे भरोसा करते हो? ये सुन करके हेडली को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एंडी को घसीटते हुए छत के किनारे लाता है और बोलता है कि अब मैं इसे नीचे फेंकने वाला हूँ। एंडी बोलता है कि अगर ये सारा पैसा तुम अपनी पत्नी के नाम पे कर दो तो तुम अपना पूरा टैक्स बचा सकते हो, क्योंकि लाइफ में एक बार सरकार $60,000 तक अपनी बीवी को देने का छूट देती है, जिस पैसों पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है।
एंडी बोलता है कि इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत पड़ेगी जो तुमसे इस बात के पैसे लेगा, पर मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर दूंगा। इसके बदले में तुम मुझे कुछ मत देना, बस तुम हमारे दोस्तों को 3-3 बियर्स दे देना। हेडली इसके लिए मान जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि एंडी के सारे दोस्त बैठ करके बियर पी रहे होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सारे लोग बैठ करके फिल्म देख रहे होते हैं, पर एंडी ये फिल्म नहीं देखता है क्योंकि उन्हें बार बार यही फिल्म दिखाई जाती है। वो बाहर चला जाता है, तभी बाहर वो दोनों लोग आ जाते हैं जो एंडी का शारीरिक रूप से शोषण करना चाहते हैं। वो फिर से एंडी को पकड़ लेते हैं और वहाँ ले आते हैं जहाँ पे फिल्म चलाई जा रही है। वहाँ आने के बाद एंडी बोलता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और तभी वहाँ पर एक आदमी आगे बढ़ता है एंडी की तरफ और वो एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। तभी उनमें से एक आदमी एंडी से कहता है कि तुम अब मेरी सकिंग करोगे। एंडी इसके लिए मना कर देता है, तभी वो आदमी बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पीनस काट दूंगा। पर एंडी के बार बार मना करने के बाद भी वो एंडी को कुछ भी नहीं करते, पर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं जिसकी वजह से एंडी फिर से एक महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और उस आदमी को जिसने एंडी को मारा था उसे भी काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और जब वो आदमी एक महीने बाद काल कोठरी से बाहर आता है तब उसका सामना हेडली से होता है जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था। और हेडली उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो पूरी तरह से अपंग हो जाता है, यानी अब वो चल फिर नहीं सकता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं इस जेल के हेड नॉर्टन को, जो कि एंडी से मिलने एक बहाने से उसके सेल में आता है। दरअसल जेल में चारों तरफ ये अफवाह होती है कि एंडी ड्यूफ्रिन काफ़ी होशियार और समझदार व्यक्ति है जिसने उसके हेडली के $30,000 बचाए हैं, इसीलिए स्पेशली नॉर्टन उससे मिलने आता है। और जब नॉर्टन एंडी की सेल में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके सेल में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं, साथ ही उस एक्ट्रेस की फ़ोटो भी होती है जो उसने रेड से मंगाई थी। वो फ़ोटो भी एंडी के सेल की दीवार पे लगी होती है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे देख करके नॉर्टन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि नॉर्टन को ईश्वर पर काफ़ी विश्वास है। और ये बात एंडी ड्यूफ्रिन बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि जेल में आने वाले हर कैदी को नॉर्टन एक ही बात कहता है कि यहाँ पे कोई भी ईश्वर का अनादर नहीं करेगा। अब नॉर्टन एंडी के सेल की जांच करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है, वो हथौड़ी भी नहीं। नॉर्टन अपने हाथ में बाइबल लेता है और अपनी कुछ फेवरेट लाइन्स बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी नॉर्टन वापस आता है और वो एंडी ड्यूफ्रिन की बाइबल वापस करता है और बाइबल वापस करते समय उसको कुछ बोलता है। नॉर्टन एंडी ड्यूफ्रिन से कहता है कि मुक्ति इसी में है, और वो एंडी की बाइबल उसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आप इस सीन को ज़रूर याद रखें क्योंकि यही वो सीन है जो फिल्म के क्लाइमैक्स में आपके लिए ट्विस्ट लाएगा। फिर एक दिन नॉर्टन एंडी को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लॉन्ड्री का काम आता है। एंडी बोलता है कि कुछ खास नहीं, इसलिए नॉर्टन उसे लाइब्रेरियन का काम सौंप देता है। वहाँ पे पहले से ही एक लाइब्रेरियन होता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है, और एंडी को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। अब एंडी लाइब्रेरी का पूरा काम देखता है और दूसरी तरफ जेल के कई सारे आदमी अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए एंडी से अपना आरटी भरवाने के लिए आते हैं, और ये काम उसका बढ़ता ही जाता है जिसके लिए उसे एक परमानेंट असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसका असिस्टेंट बनता है रेड। और दूसरी तरफ लाइब्रेरी की हालत बहुत ही ख़राब होती है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग पढ़ने भी नहीं आते हैं। एंडी नॉर्टन से बात करता है कि उसे लाइब्रेरी को स्वच्छ करने के लिए कुछ फंड की ज़रूरत है, पर नॉर्टन इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि सरकार इसके लिए कोई फंड नहीं देती है। इसलिए एंडी नॉर्टन से कहता है कि वो खत लिखना चाहता है सरकार को इस काम के लिए। नॉर्टन बोलता है कि ठीक है अगर तुम खत लिखना चाहते हो तो बेशक लिखो, मैं उसे पोस्ट करवा दूंगा। और एंडी खत लिखना शुरू करता है और ये सिलसिला लगभग एक महीने तक चलता है। और फिर अगले ही सीन में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो वहाँ पे लाइब्रेरियन का काम करता है। वो अपने ही एक आदमी को पकड़ करके उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे रिहा कर दिया गया है। बूढ़े आदमी को इस जेल में रहते हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं जिसकी वजह से अब बाहर की दुनिया इसके लिए बेकार है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो किसी का खून कर दे और उसकी सज़ा फिर से शुरू हो जाए और वो रिहा होने से बच जाए। पर तभी वहाँ पर रेड और
एंडी आ जाते हैं और वो उस बूढ़े आदमी को रोक लेते हैं और वो उनकी बात मान करके उसे छोड़ देता है और उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। और जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने सोचा था कि बाहर की दुनिया किसी काम की नहीं है और उसके साथ ऐसा ही होता है और वो बाहर की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिर में वो खुदकुशी कर लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी के लगातार लेटर्स लिखने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट उससे बहुत परेशान हो जाती है और फाइनली उसे $200 और कुछ किताबें भी देती है। उसके बाद एंडी उस बदबूदार लाइब्रेरी को एक खूबसूरत लाइब्रेरी में बदल देता है जहाँ पे अब लोग किताबें पढ़ने के लिए भी आते हैं और वहाँ पे उन्हें म्यूजिक सुनने का भी मौका मिलता है। और अगले सीन में हम फिर से नॉर्टन को देखते हैं। वो सारे कैदियों को अपने पास बुलाता है और बताता है कि वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसका नाम है इन आउट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कैदियों को बाहर ले जाया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा ताकि कैदी मेहनत कर सके और अपनी लाइफ में कुछ सीख सकें। और उनकी लेबर काफ़ी सस्ती होती है जिसका फ़ायदा नॉर्टन उठाता है और काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लेता है और बहुत सारे पैसे कमाता है, पर ये सारा पैसा ब्लैक का होता है और नॉर्टन के सारे ब्लैक पैसे को वाइट में बदलता है एंडी। एंडी इस काम के लिए नॉर्टन के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है जिसमें वो नॉर्टन का एक पार्टनर बनाता है जिसका नाम होता है रैंडल स्टीवन। दरअसल ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो रैंडमली एक पार्टनर बनाता है और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे डाल देता है ताकि इन फ्यूचर अगर कभी वो पकड़े जाएँ तो पुलिस ऐसे एक आदमी को ढूँढ रही होगी जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इसी तरह से एंडी नॉर्टन के सारे ब्लैक मनी को वाइट में बदलता है। उसके बाद इस जेल में एक नए कैदी को लाया जाता है, उसका नाम होता है टॉमी विलियम। वो एक चोर होता है और वो कई जेल में सजा काट चुका होता है, उसके बाद इस जेल में आया होता है। टॉमी विलियम अभी बहुत यंग होता है और उसे एंडी के बारे में पता चलता है कि एंडी बहुत ही अच्छा इंसान है और इसने जेल में बहुत सारे लोगों की मदद की है। टॉमी एंडी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है और वो एंडी को बोलता है उसे पढ़ाने के लिए, जिसके लिए एंडी तैयार हो जाता है। और इसी दौरान टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तभी रेड उसे बताता है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का कत्ल किया है और इसी की वजह से वो जेल में बंद है। और ये सुन करके टॉमी एकदम शांत हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और रेड उसकी बातें सुन रहे होते हैं। टॉमी एंडी को बताता है कि एक बार वो एक जेल में बंद था और वहाँ पर वो एक चोर से मिला। वो चोर अपनी कहानी बताता है। वो चोर टॉमी को बताता है कि एक बार वो चोरी करने के लिए एक घर में घुसा था और वहाँ पे चोरी के दौरान वहाँ पे रह रहे पति पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसका पति उसे मारने लगा, जिसकी वजह से मैंने उन दोनों का कत्ल कर दिया। बाद में वो मुझे पता चला कि वो उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि उसका पति कोई और था जो कि बहुत बड़ा बैंकर था, और उस बैंकर को इन दोनों कत्ल के लिए जेल में सजा सुना दी गई। अब एंडी ये सारी बातें सुनने के बाद वो तुरंत नॉर्टन के पास जाता है और वो नॉर्टन को अपनी पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैंने वो दोनों कत्ल नहीं किए, पर नॉर्टन उसकी बात नहीं मानता है। दरअसल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एंडी ही वो इंसान है जो उसकी सारी ब्लैक मनी को वाइट में बदलता है। अब नॉर्टन नहीं चाहता कि एंडी ये इस जेल से बाहर जाए, वरना उसके काले पैसों को वाइट में कौन बदलेगा, जिसकी वजह से वो उसे काल कोठरी में डालने की धमकी देता है। उसके बाद उसे एक महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब जेल में सभी को लगने लगता है कि एंडी बेगुनाह है और वो 20 सालों से इस जेल में उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। और फिर अगले सीन में नॉर्टन टॉमी विलियम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या एंडी को जो तुमने बताया वो सब सच है। वो बोलता है कि हाँ, और नॉर्टन कहता है कि अगर तुम्हें अदालत में ये सब कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो क्या तुम बोलोगे। टॉमी कहता है कि हाँ मैं बोलूँगा, और ये सुनने के बाद नॉर्टन कहता है कि मैं यही सुनना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हेडली होता है और वो उसे गोली मार देता है, और उसके बाद नॉर्टन सबसे झूठ कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की इसलिए हेडली ने उसे गोली मार दी। पर एंडी को अच्छी तरह मालूम होता है कि नॉर्टन झूठ बोल रहा है और उसने टॉमी को जानबूझ करके मारा है।
इसलिए एंडी नॉर्टन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा ये काम और नहीं करूंगा, अब अपने इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। नॉर्टन कहता है कि ये काम तो तुम्हें ही करना होगा, वरना मैं तुम्हारा इस जेल में जीना हराम कर दूंगा। और इसके बाद नॉर्टन उसे कहता है कि इस काल कोठरी में तुम्हें अभी 1 महीने और रहना होगा, और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और अब 1 महीना बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एंडी बाहर बैठा होता है एकदम अकेला, और तभी वहाँ पर रेड आता है। एंडी रेड से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से कभी बाहर निकल पाओगे? रेड बोलता है कि शायद मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ तब यहाँ से निकल पाऊँ। एंडी रेड से बोलता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो पता है मैं कहाँ जाऊँगा? ज़िवातेनियो, ये जगह मैक्सिको में है। मैं वहाँ पहुँच करके एक शानदार होटल बनाऊँगा, और वहाँ पे एक नाव पड़ी है जिसे ठीक करके मैं मछली पकड़ने के लिए निकल जाऊँगा, पर वहाँ पे मुझे एक जुगाड़ू आदमी की ज़रूरत है। रेड बोलता है कि मैं इस जगह से नहीं जाना चाहता। रेड एंडी से बोलता है कि बाहर की दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं है और मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। रेड एंडी से कहता है कि तुम हकीकत की दुनिया में आओ, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और ये जेल हमारे लिए ही एक सच्चाई है। एंडी बोलता है कि हाँ, और इसके लिए वो रेड से बोलता है कि अब या तो मैं घुट घुट के जीऊँ या फिर मर जाऊँ, और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो रेड से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रेड बोलता है कि हाँ बोलो। एंडी कहता है कि बक्सटन में एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पर एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के नीचे एक खास पत्थर है जिसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है। रेड बोलता है कि क्या गड़ा हुआ है? एंडी बोलता है कि वो जो कुछ भी है बहुत खास है, और उसे पाने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और तुम कभी भी यहाँ से बाहर निकलना तो ज़रूर उस चीज़ को अपने पास रख लेना। और ये कहने के बाद एंडी वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि रेड और उसके साथी शाम को टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, और रेड सभी से कहता है कि मुझे एंडी की चिंता हो रही है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि हाँ, एंडी मेरे पास आया था और उसने मुझसे रस्सी मांगी और मैंने उसे दे दी। रेड बोलता है कि ये तुमने क्या किया? दरअसल सबको ये लगता है कि आज एंडी अपने आप को फांसी लगा लेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्टन को। वहाँ एंडी भी होता है और वो उसके अकाउंट का काम कर रहा होता है। उसके अकाउंट का काम ख़त्म करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके तिजोरी में रख देता है। और तभी नॉर्टन एंडी से कहता है कि मेरे सूट को इस्त्री करने के लिए दे देना और मेरे जूते आईने की तरह चमका देना। आगे हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सारे लोग अपने अपने सेल में सो जाते हैं, पर रेड सो नहीं रहा होता है। दरअसल उसे परेशानी होती है कि आज कहीं एंडी अपने आप को फांसी ना लगा ले। और हम देखते हैं कि एंडी अपने जेल में बहुत ही शांति से बैठा होता है। और उसके बाद सुबह होती है। सुबह सारे लोग अपने अपने सेल से बाहर आते हैं, रेड भी अपने सेल से बाहर आता है और वो एंडी के सेल की तरफ देखता है, पर वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता है। तभी वहाँ का हेड उसको आवाज़ लगाता है कि ड्यूफ्रेन, बाहर आओ, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और ये सुनने के बाद भी एंडी वहाँ से बाहर नहीं आता है, और वो गुस्से में एंडी की सेल की तरफ बढ़ता है, और वो देखता है कि सेल में कोई नहीं होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्टन अपने जूते पहनने के लिए अपने डब्बे को खोलता है और उसमें से देखता है तो उसमें उसके अपने जूते नहीं होते हैं बल्कि एंडी के जूते होते हैं, जो उसने कहा था कि मेरे जूते आईने की तरह चमका देना, और वो जूता एंडी अपने साथ लेके चला जाता है। और उसके बाद जेल का सायरन बज जाता है, और ये सायरन होता है किसी कैदी के भाग जाने का। वार्डन तुरंत एंडी के सेल की तरफ बढ़ता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है, और वो एकदम आग बबूला होकर के वहाँ पर रखे सारे सामान फेंकने लगता है। और तभी वहाँ पर लगी एक तस्वीर को, जो कि उसी एक्ट्रेस की होती है, वो उसे फाड़ देता है। और वो पोस्टर हटने के बाद सबकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस पोस्टर के पीछे एंडी ने एक बहुत बड़ी गोल सुरंग बना रखी थी जिसके जरिए वो वहाँ से बाहर निकल के भाग जाता है। पर ये देख करके सभी हैरान होते हैं, क्योंकि और बिना किसी मशीन के मदद के इस दीवार में सुरंग बनाना मुश्किल था। अब सारे लोग उस तरफ भागते हैं जहाँ से एंडी भागा होता है, और वहाँ पे उन्हें उसके पुराने कपड़े, एक साबुन और एक छोटी सी हथौड़ी मिलती है। यानी एंडी ड्यूफ्रेन पिछले 20 सालों से अपनी उस छोटी सी हथौड़ी से अपने सेल में एक सुरंग बना रहा था। आपको कहानी का वो सीन तो याद होगा जब रेड अपने हाथ में उस हथौड़ी को लेकर के सोचता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, पर एंडी ने ये काम 20 सालों में कर दिखाया था।
और साथ ही वो सूट जो नॉर्टन ने इस्त्री करने के लिए दिए थे वो एंडी अपने पास रख लेता है और उसके जूते भी अपने पास रख लेता है और चुपचाप आकर के अपनी सेल में बैठ जाता है। और जब रात में सारी लाइटें बंद होती हैं तब एंडी ड्यूफ्रिन नॉर्टन के कपड़े और जूते एक पन्नी में पैक करके अपने पैरों में बांध लेता है और उसके बाद वहाँ से बाहर निकलता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे एक रास्ते में टनल से होकर के गुजरना था और फाइनली वो काफ़ी संघर्ष के बाद उस जेल की कैद से आज़ाद हो जाता है और बाहर निकलने के बाद वो चैन की सांस लेता है और खूब नहाता है। उसके बाद वो नॉर्टन के साफ कपड़े और जूते पहनता है और अगली सुबह उसी बैंक में पहुंचता है जहां पे नॉर्टन के सारे पैसे जमा हैं और वहां पे पहुंच करके वो अपना नाम रैंडल स्टीवन बताता है और एंडी साइन करके वहां से सारे पैसे निकाल लेता है। आपको कहानी का वो सीन तो याद होगा जब एंडी नॉर्टन के ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जहाँ पे उसने एक ऐसे इंसान का नाम डाला था जो कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। दरअसल ये एंडी ड्यूफ्रिन का प्लान था। अब उसके सारे पैसे निकाल लेने के बाद अगर पुलिस ये जाँच करती भी है तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और साथ ही साथ एंडी उस एनवलप को भी लेके आया होता है जिसमें नॉर्टन के काले धन का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, उसके सारे घोटालों का डॉक्यूमेंट्स होता है और वो उसे एक प्रेस को दे देता है और सुबह न्यूज़पेपर में नॉर्टन के खिलाफ सारे वारंट जारी हो जाते हैं और पुलिस उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। नॉर्टन हड़बड़ाहट में अपनी तिजोरी की तरफ भागता है और अपनी तिजोरी खोलता है और वहाँ पे उसे अपनी डायरी नहीं बल्कि एंडी ड्यूफ्रिन की बाइबल मिलती है। और जब वार्डन इसका पहला पेज खोलता है तब उसमें वही लिखा होता है जो कि एंडी ड्यूफ्रिन को उसने कहा था और उसमें लिखा होता है कि डियर वार्डन, तुमने सही कहा था कि मुक्ति इसी में है। और जब गुस्से में नॉर्टन उस बाइबल को पूरा खोलता है तब वो देखता है कि उसके बीचों बीच में एंडी ने उस हथौड़ी के सेफ का एक डिज़ाइन बना दिया होता है। दरअसल एंडी ड्यूफ्रिन की हथौड़ी उस वक्त उस बाइबल में ही रखी थी जब नॉर्टन ने आखिरी बार वो बाइबल उसके सेल में ली थी और उसको देते हुए एंडी को इसने ये कहा कि मुक्ति इसी में है। अगर नॉर्टन ने 20 साल पहले उस बाइबल को खोल के देखा होता तब शायद एंडी ड्यूफ्रिन वो सुरंग कभी नहीं बना पाता। और तभी नॉर्टन को पकड़ने के लिए पुलिस वाले उसके दरवाजे पे आ जाते हैं और पकड़े जाने के डर से नॉर्टन अपनी ही गन से खुद को शूट करके खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड को, उसकी बाकी की सज़ा माफ़ कर दी जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद रेड एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी कर लेता है पर उसका दिल बाहर बिल्कुल भी नहीं लगता है। तभी उसे वो वादा याद आता है जो उसने एंडी ड्यूफ्रिन से किया था और वादे के मुताबिक वो उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो पत्थर होता है। वो पत्थर के नीचे से वो चीज़ खोद करके बाहर निकालता है, वो उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तब उसमें एक चिट्ठी होती है, वो चिट्ठी एंडी ड्यूफ्रिन ने लिखी होती है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें वो जगह याद है ज़ेवाटेनियो, तुम वहाँ जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे एक काबिल इंसान की ज़रूरत है। उसके बाद रेड तुरंत ज़ेवाटेनियो के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि एंडी ड्यूफ्रिन एक पुरानी नाव को ठीक कर रहा होता है और वो दोनों खुशी खुशी साथ में मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म वाकई बहुत ही बेहतरीन है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।